HDFC क्रेडिट कार्ड स्कैम। माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी सेंसेशनल होने वाली है क्योंकि बात है इंडिया के सबसे बड़े बैंक के बारे में। माय डियर फ्रेंड, HDFC बैंक ने ना सिर्फ मेरे साथ और हो सकता है काफ़ी सारे इनोसेंट कस्टमर्स के साथ ये स्कैम करने की कोशिश की है। ये वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको HDFC ट्रिक कर रहा है और मिस सेल कर रहा है। हो सकता है कि वीडियो यूट्यूब से बहुत जल्दी डिलीट हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इस स्कैम से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा सको। आज के डेट में सभी बैंक्स इंक्लूडिंग HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए जो पॉसिबल टैक्टिक्स हों वो लगा रहे हैं। बेसिकली आपको दिन रात 24 घंटे में एक दो क्रेडिट कार्ड के कॉल्स और 5-6 SMS आते ही होंगे। रिसेंटली मैंने अपना अकाउंट HDFC में खुलवाया और जब से HDFC के अंदर अकाउंट खुलवाया है उसके कुछ दिनों बाद से ही मुझे रेगुलरली मैसेजेस आ रहे थे क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स थे तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन वन फाइन डे मुझे एक ऐसे क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है जो रुपे कार्ड है, जिसको मैं UPI पे यूज कर सकता हूँ, और साथ ही साथ ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड था और साथ में मिल रहे थे 1500 के Amazon वाउचर। सो क्योंकि मेरा कोई भी कार्ड रुपे कार्ड नहीं है तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और साथ में Amazon वाउचर्स भी थे, तो मैंने इस कार्ड को एक्सेप्ट करके उस लिंक पे क्लिक किया जिससे कि मेरा एप्लीकेशन HDFC में हो गया। ऑब्वियसली जैसे ही मैंने अप्लाई किया मुझे एक कस्टमर सपोर्ट से कॉल आता है जिसमें मुझे कार्ड्स के बेनिफिट बताए गए, फीचर्स बताए गए और मुझे बताया गया कि ये कार्ड जो है वो फ्री होने वाला है लाइफ टाइम के लिए, मुझे कोई एनुअल चार्जेस नहीं भरने और ना ही कोई मिनिमम स्पेंड मुझे करना है। साथ ही साथ जो 1500 के Amazon वाउचर्स आ रहे थे उसके बारे में भी बताया गया कि अगर आपको ये मैसेजेस में लिखा हुआ है तो आपको जो वाउचर्स हैं वो ईमेल के थ्रू मिल जाएंगे। सो मैंने कार्ड के लिए एक्सेप्ट किया। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था, इसके बाद स्टार्ट होती है असली ट्रिक। इसके बाद क्या हुआ, HDFC बैंक से मुझे एक वेरिफिकेशन का कॉल आया जिन्होंने मेरे एप्लीकेशन को वेरीफाई किया और बोला कि हम आपका कार्ड भेज रहे हैं लेकिन थोड़ा सा एक चेंज है। हमने आपको जो कार्ड लिखा था वो कार्ड था HDFC बिज कार्ड, वो जो कार्ड है वो बिजनेसेस के लिए होता है लेकिन आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो तो हम आपको एक दूसरा कार्ड भेज रहे हैं। सो जो कस्टमर सपोर्ट पे सामने से लेडी बात कर रही थी उसको मैंने रोक के पूछा कि क्या ये कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री है और क्या इसके साथ भी मुझे 1500 के Amazon वाउचर्स मिल रहे हैं। तो उस लेडी ने बोला शी इज नॉट श्योर, आपको कस्टमर सपोर्ट वापस से कॉल करके कंफर्म करेंगे। मैंने कहा ओके, आप कस्टमर केयर से कॉल करा के कंफर्म कीजिए और उसके बाद आप कार्ड भेजिएगा। मैंने करीब एक हफ्ते तक वेट किया लेकिन मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन वो मैसेजेस मुझे लगातार आते रहे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले। मैंने खुद से कस्टमर केयर को कॉल किया और अपने कार्ड का स्टेटस जानना चाहा तो मुझे पता चला कि मेरा कार्ड जो है डिक्लाइन हो गया है क्योंकि मैं क्राइटेरिया मीट नहीं करता। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि मेरा अकाउंट HDFC में है और HDFC को पता है कि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूं तो उन्होंने मुझे बिजनेस कार्ड क्यों ऑफर किया, राइट? और बिजनेस कार्ड ऑफर करने के नाम पे उन्होंने मुझे ट्रिक करके एक ऐसा कार्ड देने की कोशिश की जिसमें मुझे एनुअल चार्जेस भी पे करने थे, Amazon के वाउचर्स भी नहीं थे और क्या वो कार्ड रुपे होगा उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं था। इस बारे में मैंने जब कंप्लेन को एस्केलेट किया तो मुझे बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर वो इस चीज को रीवैल्यूएट करके मुझे कंफर्म बैक करेंगे। 3-4 दिनों बाद मुझे वापस से कॉल आता है और बताया जाता है कि वो स्टिल रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन आएगा। आज तक इस बात को करीब 1 महीना हो गया लेकिन आज तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। इसको और एस्केलेट करते हुए मैंने ट्विटर पे कंप्लेन डाली। ट्विटर पे बैक एंड फोर्थ फालतू के टाइम पास वाले कॉन्वर्जेशन चलते रहे जिनका डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ट्विटर की कंप्लेन को इन्होंने वापस से ईमेल पे फॉरवर्ड किया और मुझे 5-7 दिनों में रिवर्ट करने के लिए प्रॉमिस किया गया। पहले मुझे डेट मिली 15 मार्च कि 15 मार्च तक हम आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद मुझे डेट मिलती है 20 मार्च और उसके बाद डेट मिली 15 मार्च। HDFC वालों ने अपना खुद का कानून बना रखा है, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं लेकिन कोई भी रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा। माय डियर फ्रेंड, ये मैटर सिर्फ एक कार्ड का नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ये मैटर सिर्फ Amazon वाउचर्स का नहीं है। ये मैटर है HDFC की इंटेग्रिटी का कि कैसे वो इनोसेंट कस्टमर्स को ट्रिक कर रहे हैं। मैंने अवेयर होते हुए नोटिस किया कि मुझे एक कार्ड प्रॉमिस करके दूसरा कार्ड दिया जा रहा है जिसके साथ एनुअल चार्जेस हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इनोसेंट कस्टमर्स हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके एनुअल चार्जेस भी लगेंगे फ्यूचर में और वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं कार्ड का नाम ही डिफरेंट है, आप हमें कार्ड भेज दो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि क्या ये एक सही सेल्स प्रैक्टिस है, क्या ये कस्टमर के साथ चीटिंग और क्या ये कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं है। माय डियर फ्रेंड, HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, अगर इतना बड़ा बैंक ऐसे गलत बेंचमार्क सेट करेगा तो बाकी बैंक्स भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर बहुत सारे कस्टमर्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि तो क्या बैंकिंग से और HDFC बैंक से लोगों का कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो जाएगा? HDFC को सोचना चाहिए, इतनी घटिया हरकत, इतनी छोटी हरकत करते हुए HDFC को तो शोभा नहीं देता।
क्या आपको लगता है कि HDFC ऐसे स्कैम कर रहा है? क्या आपको लगता है कि HDFC की और बाकी जो बैंक्स की क्रेडिट कार्ड सेल्स करने की स्ट्रैटेजी है, क्या वो सही है? आप हमें प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सकें और इस तरह की मिस सेलिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना।